एमपी में वोट मांगने गए बीजेपी एमएलए को लोगों ने दी गालियां। लोगों का गुस्सा देख चुनाव प्रचार से उल्टे पाव भागे बीजेपी विधायक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का काम अपने चरम पर है। पार्टी की ओर से टिकट मिलने के बाद तमाम दल के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। टिकट पाने वालों में कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उन विधायकों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी जिन्होंने विधायक रहते अपने इलाके का विकास नहीं किया। ऐसा ही कुछ बीजेपी के विधायकों के साथ भी हुआ है जो खुद के लिए वोट मांगने निकले थे। बीजेपी के इन विधायकों को कई इलाकों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला इंदौर के सावेर में सामने आया है जहां से बीजेपी विधायक राजेश सोनकर चुनाव प्रचार के लिए बीसा खेड़ी गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका गांव में घुसने से विरोध कर दिया। इतना ही नहीं बताया तो यहां तक जा रहा है कि लोगों ने उन्हें खूब गालियां भी दी। विधायक की मौजूदगी में इलाके के लोगों ने उनके खिलाफ रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। आलम यह हुआ कि विधायक जी को वहां से भागकर निकलना पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बीसा खेड़ी गांव के लोग लंबे समय से सड़क बनाने की मांग करते आ रहे हैं। जब विधायक राजेश सोनकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें वहां से भागना पड़ा। उधर विधायक जी इस पूरी घटना को राजनीतिक षड्यंत्र करार देने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो बीजेपी विधायक ही जाने, लेकिन ये पूरी घटना उन जन प्रतिनिधियों के लिए एक चेतावनी जरूर है जो चुनाव जीतने के बाद जनता की सुध लेना भूल जाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।